कक्षा 10 एक्सरसाइज 5.3 अब हम इसका 14वां प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रश्न है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बच्चों विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो दो के पार में नहीं आती, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस प्रकार। तो आइए हम सबसे पहले विषम संख्याएं लिखते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस प्रकार से ये विषम संख्याएं आगे चलती रहती हैं। और 0 से 50 तक बोला गया इसका मतलब इसकी जो आखिरी विषम संख्या है वो होगी 49, क्योंकि 50 एक सम संख्या है, इसलिए 50 तो लिखा नहीं जा सकता विषम संख्याओं में, इसलिए इसकी जो आखिरी विषम संख्या होगी वो होगी 49। अब इससे हमें क्या क्या पता चलता है? कि सबसे पहले हमें पता चलता है ये है इस AP का पहला पद, पहली विषम संख्या होती है AP, A हो गया 1। इसके बाद है D, D के लिए 3 में से पहली रकम माइनस कर दो, 3 में से 1 निकाला तो D आ गया है 2 के बराबर। इसके बाद है N, N कितना होगा? 50 गलत। ना तो N 49 होगा ना ही N 50 होगा। बच्चों आप समझिए इस बात को, हमने बोला 50 तक की गिनती में N कितने पद आएंगे। आप सोचिए इस बात को कि यदि 50 तक की संख्याएं हैं उसमें 25 संख्याएं सम हैं, 25 संख्याएं विषम है, यानी 25 संख्याएं ऑड होंगी, 25 संख्याएं इवन होंगी, ठीक है। तो अगर हमें 1 से 50 तक की विषम संख्याएं देखनी है तो वो 50 या 49 नहीं होंगी, वो होंगी 25, वो होंगी 25, जो कि 1 विषम संख्या, 2 सम संख्या, 3 विषम संख्या, 4 सम संख्या। इस प्रकार 50 तक की गिनती में 25 संख्याएं सम है, 25 संख्याएं विषम है, इसका मतलब n कितना आ गया है 25। इसी अंतर को आपको समझना है, n का मतलब ऐसे लिखते लिखते 25वां पद क्या होगा, ठीक है। और इसका 49 का मतलब है कि यह AP जो है 49 तक ही है, ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या है, हमें इसके इन 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग निकालना है, यानी इन सब का हमें योग निकालना है। योग का फॉर्मूला है SH बराबर n बटा 2 into 2a plus n minus 1 into 2 d। तो S n कितना है 25, तो ये हो जाएगा 25 बटा 2 into 2a है।